दंगल गर्ल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आमिर खान ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें जमकर गालियां पड़ रही हैं, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। 17 फरवरी को आमिर खान की फिल्म दंगल की चाइल्ड एक्ट्रेस सुहानी शाह का 19 साल की उम्र में निधन हो गया था। सुहानी के निधन की खबर से देश भर में मातम पसर गया। सुहानी के जाने से लोग अब भी गमगीन हैं। सुहानी के अंतिम संस्कार में तो आमिर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज वो अचानक फरीदाबाद में सुहानी के मम्मी पापा से मिलने आए। उन्होंने काफी देर तक सुहानी की फैमिली से बातें की और उन्हें सांत्वना दी। आमिर ने सुहानी की फैमिली के साथ फोटो भी खिंचाई, जिसमें आमिर सुहानी की फैमिली मेंबर्स के साथ नजर आ रहे हैं। बीच में सुहानी की तस्वीर रखी हुई है और दाएं बाएं सभी लोग खड़े हुए हैं। तस्वीर में आमिर खान के साथ सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। दुख में ऐसी मुस्कुराहट देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, क्या कोई कॉमेडी हुई है? दूसरे यूजर ने लिखा, ये कैसा पोज है, शर्म करिए। वहीं तीसरे ने लिखा, शर्म की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये। वहीं चौथे यूजर ने भी कमेंट किया, ये कंडोलेंस हो रहा है या गेट टुगेदर। एक और ने लिखा, एक मिनट, मतलब मैं तो फालतू में सैड हो रहा था। सुहानी ने आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। उनके रोल को लोगों ने खूब पसंद किया। सुहानी सिर्फ 19 साल की थी। दवाइयों के रिएक्शंस की वजह से उनके पूरे शरीर में पानी भर गया था। एम्स में इलाज के दौरान सुहानी ने अपना दम तोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।